हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अपने घर में अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी मैं भी नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और भी मैंने पूजा पाठ कर ली है। और आज है बिरुण पंचमी, जो हमारी कुमाऊनी कल्चर में मनाया जाता है सातों आठों का त्यौहार। तो आप सभी लोगों को बिरुण पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं दिखाती हूँ, मैंने मंदिर में दिया वगैरह जला दिया है, पूजा कर ली है। यहाँ पर मैंने मंदिर में कर ली है पूजा। तो ये देखिए, बिरुड़े भिगा दिए हैं मम्मी ने, और मैंने तौले में इसमें देखिए गाय का गोबर और क्या नाम है धूप लगाया है और टीका लगाया है, और सात प्रकार के अनाज डाले गए हैं इसमें। क्या क्या है, चने हैं और बीन्स, लोबिया, भटके दाने, गेहूं के दाने, मतलब पांच प्रकार का अनाज डाला जाता है। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। और कल मैं लेके आई थी बाज़ार से लड्डू गोपाल कान्हा जी, और ये तो मैं बहुत पहले लेके आ गई थी, इनको तो हो गए 7-8 साल। तो यहाँ पे कान्हा जी लेके आई हूँ मैं इनका पार्ला। तो अभी मैंने इनको वस्त्र नहीं बनाए हैं, तो अभी इनका 26 को बर्थडे है, उस दिन मैं इनका उनको वस्त्र बनाऊँगी और जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन मनाएंगे। तो पूजा कर ली है, नाश्ता वगैरह हो चुका है, गोविंद जी आके भी सब लोगों ने कर लिया है। तो मैं अभी लगा रही थी झाड़ू, तो ये भी ऐसे पड़ा है कुछ सामान, झाड़ू लगाते लगाते यहाँ पे पहुँचा हुआ है। अभी झाड़ू पोछा पूरा रह गया है, तो अभी मैं कमरे को संभाल रही थी, झाड़ू पोछा कराते हैं, उसके बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से। बनी रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। सो गाइस, अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है और काम करते करते बज गए हैं 12। बहुत ज़्यादा थकान लग गई है और अब खाना बनाने का ही टाइम हो जाता है। आप फ्रिज वगैरह साफ करा, किचन साफ करो, थोड़ा टाइम लग गया था। इस दिन के बच्चों के 11:30, और अभी मैंने सारा काम निपटा लिया है। तो आज बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, किचन वगैरह को धोया और फ्रिज वगैरह साफ वगैरह किया, गंदा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो अभी बनाएंगे खाना थोड़ी देर में, बच्चे जा रखे हैं स्कूल, अभी आएंगे 1:30 बजे के टाइम में। तो मैं दिखाती हूँ अपने नए फैमिली मेंबर को, जिसका नाम है चार्ली। और मैं समंदर में गई थी अपने मायके, तो वहाँ से लेके आई थी मैं चार्ली को। चार्ली कम कम, दिखाती हूँ मैं चार्ली। ये है हमारा चार्ली, कल इसको बहुत फीवर आ गया था थोड़ा सा, तो इसको दवाई वगैरह की, अब ठीक हो गया है। चलो अंदर चलो, चार्ली कम आओ आओ अंदर, आजा 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 आ। ये सोच रहा है मैंने इसको बांधा है, नहीं बांधा है मैंने। आजा आजा आजा, यहाँ पे बैठेगा। ये देखो चार्ली चार्ली, तो ये है हमारी चार्ली, बहुत ही ज़्यादा क्यूटी फीमेल है ये। चार्ली कम चार्ली आओ आओ आ जाओ, हेलो कॉफी, हेलो हेलो हेलो। तो ये है जर्मन सेफर्ड ब्रीड हमारी चार्ली। देखो अरे अरे अरे, तो गाइस कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी चार्ली कैसी लगी। ये देखो बच्चे भी इससे खेलते हैं, देखो चार्ली भी देख रही है। हेलो कहते चार्ली, हेलो चार्ली, हो देख तेरी फोटो। देख यहाँ पे, देख चार्ली यहाँ, देख चार्ली चार्ली कम यहाँ आओ, यहाँ आओ जल्दी आओ, लो यहाँ पे बैठो, पानी दूंगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो चलो, इसको पता है मेरे को यहाँ पे मेरी जगह है, मैं यहाँ पे बजूंगी। ये देखो कितना अच्छा मान रही है, कितना अच्छा मान रही है। चलो आ जाओ, देखो चार्ली, देख सकते हैं टमाटर यहाँ हमने लगा दिए हैं, पट्टे बना दिए थे तो यहाँ कल टमाटर लगा दिए हैं, उस तरफ भी लगाए हैं। तो चार्ली बैठा है, यहाँ पे लगाएंगे हम सब्जी,
दूब हमारी जम गई है, इसमें घास भी जम गया है, इसमें ऐसे ही रह गया है दूब। तो आज शाम को लगाते हैं इसमें। देखिए रोज़ कितने अच्छे खिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे तुलसी का मंदिर, ये देखिए तुलसी माता कितनी सुंदर खिल गई है। इसमें फूल देखिए मैंने लगाया था, इसमें देखिए कलरफुल फूल, देखिए फूलनाथ। और जो हमारे पहले घर में था फ्लावर का पेड़ फूल का, तो हमने काट दिया था, तो मैं ये लेके आई थी नर्सरी से, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, ये गमलों में कलर करूँगी, उसके बाद इसमें लगाएंगे फूल। खाना बनाने का टाइम हो गया है। चार्ली को बाहर ही अच्छा लग रहा है, अंदर नहीं रहना है, है चार्ली अंदर नहीं रहना, तुमको बाहर ही बैठना है। कैसे आया बाहर, खोल के ना, खोल के आया ना बाहर। अरे ठीक है यार, आज मैंने करी है फ्रिज की भी साफ सफाई। ये देखिए पूरा फ्रिज मेरा चमकता हुआ, इसको मैंने पूरा वॉश कर दिया था, ये देखिए बिल्कुल क्लीन, और ऊपर भी क्लीन है। ये देखिए तो पूरा साफ करने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। मैंने आज किचन को धो दिया है, तो मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि बच्चे भी अभी आ जाएंगे। खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, झूली भात बनाती हूँ आज, क्योंकि कल दाल चावल बनाए थे, तो आज झूली भात बनाती हूँ। मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए, आज दिन में सभी लोगों के लिए झूली भात का बनाया था भात दाल, तो कभी कभी बदल के बनाना चाहिए, तो बनाती हूँ झूली भात। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिन में झोली, ये देख सकते हैं गावे की, और ये गावा ऐसा है जिसमें फुकाई नहीं लगती, यानी खुली नहीं लगती गले में, तो आज बनेगी गावे की झोली। तो गोविंद जी भी आ चुके हैं शॉप से। मिस्टी ओ मिस्टी जी गरी चार्ली चार्ली जा चार्ली चार्ली इतना अच्छा मानती है ना इनको भी। गोविंद जी ने नहला दिया है चार्ली को। चार्ली अभी रुक जा, अभी सूखेगा, रुक जा, गरम हो रहा था। आराम मिल जाएगा इसको ठंडा ठंडा, गर्मी हो रही थी ना। तो चलिए जी मैं बनाती हूँ झोली भात, फिर मिलते हैं आपसे। इस दिन के बच चुके हैं दो, और खाना वगैरह भी हम लोगों का हो चुका है, अब कर लेते हैं थोड़ी देर आराम, और आज का ब्लॉग भी अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।